केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर कई जुबानी हमले किए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 10 साल पहले देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री चुना था और तब से देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान प्राप्त हुआ है। आपने 10 साल पहले मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने 10 साल में देश का कायाकल्प करके दिखाया, सेवा ऐसी की कि 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। जो 60 साल कांग्रेस नहीं कर पाई वो 10 साल में मोदी ने करके दिखाई, गरीब की भलाई करवाई और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे भारत को मोदी जी ने बनाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए 45 साल तक उनके सांसदों के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर सामने आने को कहा। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक प्रदेश में रेलवे लाइन तक नहीं पहुंचाई जा सकी। उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जब आपदा आई तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता घरों में दुबक कर बैठ गए, जबकि केंद्र द्वारा प्रदेश को भरपूर मदद प्रदान की गई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र द्वारा हिमाचल को दी जाने वाली परियोजनाओं को भी प्रदेश सरकार द्वारा रोकने का काम किया गया है। क्यों नहीं रेलवे लाइन आई थी ऊना तक? हमने नंगल से ऊना, ऊना से लेके चुरुड़, चुरुड़ से लेके आमबिंदौरा, आमबिंदौरा से लेके तरुणपुर चौक पहुंचाई, पूरा हिमाचल का काम करवा दिया, विद्युतीकरण करवा दिया, ऊना से लेके हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी और दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन भी हमने चलाई है। इस मौके पर कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भुट्टो और पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर भी मौजूद रहे।